दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बागवानी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा प्लांट जिसके विषय में आप सभी जानते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत यह इंडोर प्लांट और चलने वाला परमानेंट प्लांट होता है, जो दोस्तों जिसका नाम है सैगोनियम प्लांट। दोस्तों आज इस सैगोनियम के पौधे की पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे पौधे को आपको रखना है और कितना बड़ा इसको गमला ले सकते हैं और इसमें पौधे की साइज़ कितनी बड़ी होती है और इस प्रकार इसको कैसे आप ग्रो करा सकते हैं और कौन सी फर्टिलाइज़र है जो आप इसको दे सकते हैं जिससे लीफ आपकी और पौधे काफ़ी हरे भरे और घने रहें। तो दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो के साथ बने रहें। तो चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अभी दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 12 इंची के पॉट में अपने सैगोनियम के पौधे को लगाया हुआ है। यह दोस्तों सैगोनियम का जो प्लांट है ये तकरीबन साल भर पुराना पौधा है और आप देख रहे हैं इसके जड़ के पास से इसकी जो स्टेम के पास आप देख रहे हैं नए नए ग्रोथ पौधे तैयार हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें पौधे आपके प्रोपेगेट हो पा रहे हैं। तो इसको आप अपने गमले में लगाकर ऐसे ही प्रोपेगेट करा सकते हैं, काफ़ी अच्छा चलता है दोस्तों यह पौधा। और इस पौधे को आपको वहाँ रखनी है जहाँ पर दोस्तों आपका लाइटली प्रकाश आता हो, जहाँ पे आपको हल्की सूर्य का प्रकाश सुबह वाली मॉर्निंग वाली धूप आपको दिखानी होती है। और ऐसी जगह बिल्कुल ना रखें जहाँ पर एकदम प्रकाश न हो, अंधकार हो, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा ये सैगोनियम के पौधे यदि आप छाए में रखते हैं जिसको जहाँ पर सनलाइट की कोई प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं होती तो ये पौधे काफ़ी लेजी टाइप के बढ़ते हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्टेम इसके काफ़ी हो जाते हैं बड़े और पत्तियाँ थोड़ा सा मुड़ी हुई आपको कलर थोड़ा सा डल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सैगोनियम के पौधे में ऐसी बहुत सारी खूबियां पाई जाती हैं दोस्तों। इसको पहली बात तो ये ऑक्सीजन देने वाला पौधा होता है और हवा को भी ये शुद्ध करता है और काफ़ी इसके बेनिफिट होते हैं। और घर में इसको आप रख के आराम से प्रोपगेट करा सकते हैं, काफ़ी अच्छा चलने वाला यह प्लांट। और इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें दोस्तों तो फर्टिलाइज़र आप इसमें दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र के लिए आप NPK 19:19 आती है आप उसको यूज कर सकते हैं या 20:20 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र देने के लिए दोस्तों इसको आपको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिला के जड़ों में या फिर इसकी पत्तियों पर स्प्रे करें, काफ़ी बढ़िया चलता है। और इस प्रकार इसकी लीफ देख सकते हैं काफ़ी हरी भरी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। और इस तरह पौधे को दोस्तों आप अपने हरा भरा और घना बना सकते हैं। और गमला जो आप लेनी है आपको दोस्तों मैक्सिमम पॉट जो है दोस्तों आप रख सकते हैं 12 से 14 इंच का गमला इसके लिए पर्याप्त रहता है। और कम से कम आप इसको 10 इंच के गमले में लगाते हैं तो मीडियम साइज़ का गमला ये भी उसमें अच्छा सर्वाइव कर जाता है। और इस प्रकार इस पौधे को आप रख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चलने वाला प्लांट जिसको हम बोलते हैं ये एनुअल प्लांट के अंतर्गत आता है। इसकी देखरेख भी बहुत कम होती है। पानी की अगर हम बात करें तो पानी दोस्तों इसमें बहुत कम चाहिए और पानी की मात्रा भी इसमें कम होती है, इसलिए कि इस पौधे को आपको इंडोर में रखनी है वैसे भी पानी आपको कम चाहिए होता है। तो दोस्तों समय समय पर आपको गर्मियों में जो है आपने देखा होगा सैगोनियम के प्लांट में इसकी पत्तियों में धब्बे टाइप के होते हैं, या तो पत्ती सिकुड़ जाती है या तो पत्तियां जलने लगती हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही है दोस्तों कि आप इसको जो है वैसी जगह रखिए जहां पर आपको लाइट धूप आपको मिलती रहे और इस प्रकार इस पौधे को आप अपने अच्छा से ग्रो करा पाएंगे जैसा कि मैंने इसको ग्रो कराया हुआ है। और आप देख रहे हैं कितना अच्छा पौधा हो ये हो चुका है। गमले में हमने इसको 12 इंच के पॉट में दोस्तों इसको लगाया है और काफ़ी अच्छा चलता है ये। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब।
वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड टेक केयर।